17,100 के पार भी हम गए और अभी वहां पर ही टिके हुए हैं। लेकिन रेंज के बावजूद सबसे अच्छी बात यह है कि 3 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगी है। बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट को, स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे और ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? आज मार्केट में जरूर डिप लेने के बाद वापस से मार्केट में जो रिकवरी बनी है, एक साइन दिखाता है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मिड कैप स्पेस में जो तेजी बनी हुई है वो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड रखना है और डिप्स को जरूर बाय करना है। तो जब तक 16,900 के लेवल डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो मार्केट में बड़ी सेल ऑफ यहाँ पे नहीं बनेंगे, और उसके आसपास से जब भी मार्केट बाउंस होगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। अब यहाँ पे 17,250 इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल क्रॉस होगा तो एक कंफर्ट जो बाइंग साइड में देखने को मिलेगा लार्ज कैप स्पेस में, वो भी हमें देखने को मिलेगा। आज जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल है। पहला स्टॉक हम जो यहाँ पे रिकमेंड करेंगे वो IDFC लिमिटेड का होगा। IDFC लिमिटेड में हमें लग रहा है कि जिस तरीके के मोमेंटम बने हैं, ये 85 रुपीज़ तक के अपसाइड के टारगेट दिखा सकता है, 71 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक हमें लगता है MCX को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। MCX में एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जिस तरीके से सेटअप बने हैं MCX के पिछले कुछ हफ्तों में, और अब जो रिकवरी देखने को मिली है प्रीवियस वीक में और करंट आज के सेशन में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि MCX एक अच्छी तेजी के लिए यहाँ से रेडी होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में हम 1380 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बैंकिंग स्पेस में हमें यहाँ पे स्टेट बैंक का सेटअप भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। SBI PSU बैंक में से लार्ज कैप स्पेस में SBI हम यहाँ पे फोकस में रखे हुए हैं, और जिस तरीके से स्टेट बैंक में करेक्शन के बाद पिछले 8-10 दिन का अगर हम देखें तो सेटअप में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि अब यहाँ पे SBI में एक बेस ऑलरेडी बन चुका है, अब यहाँ पे एक प्राइस ब्रेकआउट अवेटेड है। लेकिन जिस तरीके के सेटअप बने हमें लग रहा है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम 545-550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो स्टेट बैंक यहाँ पे बाय करना है 526 के स्टॉप लॉस से।